जब तक लीवर 70-75% डैमेज नहीं हो जाए आदमी खाता पीता मौज मस्ती करता है। द डेंजरस पार्ट ऑफ वायरस ही अगर प्रेग्नेंट वुमन को हो गया। खाली दो ही वायरस हैं जो फूड के थ्रू, कंटेमिनेटेड फूड के थ्रू, पानी के थ्रू जाते हैं। डॉक्टर के मैं हमेशा कहता हूँ इफ द माइंड नोज द आईज विल सी। डॉक्टर को नॉलेज होना चाहिए कोई चीज़ का, तभी आंखें देख सकेंगी। 4 हफ्ते से 6 हफ्ते तक वो वायरस ब्लड में सर्कुलेट होके फिर लीवर में जाके बैठता है। हेल्थ चेकअप में अपने ज़्यादा करके मालूम पड़ जाएगा कि आदमी को लीवर डिजीज होने वाला है। कोल्ड एंड कॉफ का वायरस अलग होता है, इन्फ्लुएंजा का वायरस अलग होता है, वैसे ये वायरस लीवर के लिए स्पेशल होता है, उसको कहते हैं हिपेटोट्रॉफिक वायरस। हाय हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं माधवी वाडकर नव भारत मुंबई से बातों बातों में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज बातों बातों में हमारे साथ है बॉम्बे हॉस्पिटल के मुख्य हिपाटोगैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट डॉक्टर निरंजन बनका जी। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर निरंजन बनका जी के साथ सर हम लोग ने एक लास्ट एपिसोड किया था लीवर को कैसे समझा जाए, और इस एपिसोड को भी व्यूवर्स ने, दर्शकों ने बहुत सा प्यार दिया है, बहुत अच्छा रिस्पांस दिया है। इसके लिए आप सभी दर्शकों का, व्यूवर्स का बहुत बहुत धन्यवाद। सो व्यूवर्स, खास आपके लिए, जैसे कि मैंने लास्ट एपिसोड में सर हम लोग ने बात की थी कि लीवर एक वाइटल ऑर्गन है जो बहुत बड़ा है, उसकी हम लोग ने बेसिक एनाटॉमी समझी थी, कैसे हम लोग उसे प्रिवेंट कर सकते हैं लीवर की डिजीज, इन शॉर्ट हम लोग ने बात किया था, और कैसे हेल्दी रख सकते हैं लीवर को, ये बात की थी। बट ये एक ऐसा टॉपिक है कि जो एक एपिसोड में ख़त्म नहीं हो सकता, और व्यूवर्स आपके लिए खास हम लीवर के ये अलग अलग एपिसोड लेके आ रहे हैं, जिसमें आज के एपिसोड में हम बात करने वाले हैं वायरल हेपेटाइटिस की। सर एक क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं बोलूंगी, आजकल कुछ भी हो जाता है ना तो एक कॉमन कंक्लूजन जो रिपोर्ट में दिखता है वो है वायरल। तो ये वायरसेस क्या है, क्या कहेंगे? पहले तो थैंक यू वेरी मच माधुरी, फिर से आपने मुझे मौका दिया अपने लोगों से कनेक्ट होने के लिए, बहुत खुशी है मुझे। ये बहुत ही अच्छा टॉपिक आज आपने वायरल हेपेटाइटिस पे बात करने के लिए चूज किया है। अपने को मालूम होना चाहिए कि अलग अलग तरह के कीटाणु होते हैं जो शरीर में जाते हैं। कोई वायरस होता है, कोई बैक्टीरिया होता है, कोई पैरासाइट्स होता है। तो वायरस एक डिफरेंट ग्रुप होता है जो बहुत स्पेसिफिक, ऑर्गन स्पेसिफिक होता है। वो कोल्ड एंड कॉफ का वायरस अलग होता है, इन्फ्लुएंजा का वायरस अलग होता है, वैसे ये वायरस लीवर के लिए स्पेशल होता है, उसको कहते हैं हिपेटोट्रॉफिक वायरस। मतलब वो खाली लीवर को ही डैमेज करता है। तो अलग अलग तरह के वायरस हैं, जैसे हम लोग चलेंगे बताऊंगा मैं कौन से वायरस हैं, लेकिन इनका ज़्यादा अफेक्ट खाली लीवर ही होता है, जनरल नहीं होता है, मसल में नहीं, हार्ट में नहीं, लंग्स में नहीं, ये खाली लीवर को ही अटैक करते हैं, तो नॉन हेपेटोट्रॉफिक वायरसेस। सर ये वायरसेस एंटर कैसे करते हैं? हम एडवर्टाइज में तो देखते हैं हाथ धोना बहुत ज़रूरी है, पर सिर्फ ये एक ही रीज़न है या कैसे ये एंटर होता है ये कीटाणु हमारे बॉडी में? दो रूट हैं, खाली दो ही वायरस हैं जो फूड के थ्रू, कंटेमिनेटेड फूड के थ्रू, पानी के थ्रू जाते हैं, उसको कहते हैं एक वायरस ए और एक वायरस ई। ये दो वायरस हैं जो खाली फूड कंटेमिनेटेड वाटर से जाते हैं। बाकी जो वायरस जो हम लोग बात करेंगे, वायरस बी है, सी है, डी है, ये वायरस जो है पैरेंट्रल रूट, मुँह से नहीं जाते हैं वो। जैसे इन्फेक्टेड ब्लड ट्रांसफ्यूजन हो गया, इन्फेक्टेड नीडल यूज हो गई, सेक्सुअल ट्रांसमिशन होता है, किसिंग ट्रांसमिशन होता है, तो इसमें बॉडी का सीरम फ्लूइड कॉन्टेमिनेट होना चाहिए, तब ये मतलब फैमिली में बैठ के खाएंगे वो नहीं जाएंगे वायरस। तो इसके लिए ये वायरस अलग से होते हैं जो पेरेंट्रली ट्रांसमिटेड होते हैं। तो दो डिफरेंट ग्रुप हैं, दोनों का अपना रूट अलग अलग होता है, बीमारियां अलग अलग होती हैं, वो हम लोग अब ड्यू कोर्स में डिस्कस करेंगे। सर बहुत अच्छी जानकारी दी है, बिकॉज हम लोग को इतना ही पता था हाथ नहीं धोए तो ये कीटाणु बॉडी के अंदर जाते हैं, बट बहुत से अलग अलग रास्ते हैं, वे हैं जिससे कि ये कीटाणु हमारे बॉडी में एंटर करते हैं। सर मैं पूछना चाहूंगी कौन से सिम्टम्स है जिससे हमें पता चल जाता है कि ये हेपेटाइटिस वायरल है, ऐसे कुछ सिम्टम्स है सर? तो जब भी बॉडी एक्सपोज होती है वायरस से, जैसे मॉनसून आएगी तब कॉन्टेमिनेटेड वाटर है, टैंक्स में कॉन्टेमिनेट होता है, म्यूनिसिपल पाइप्स कॉन्टेमिनेट हो जाती हैं, तो ये वायरस जब शरीर में जाते हैं, आइदर वायरस ए और ई, तब उसका इनक्यूबेशन पीरियड होता है 4 हफ्ते से 6 हफ्ते तक। वो वायरस ब्लड में सर्कुलेट होके
फिर लीवर में जाके बैठता है। जब लीवर इन्फ्लेमेशन हो जाता है तब नोशिया, ठीक नहीं लग रहा है, थोड़ी बुखार आ गई, उल्टी हो गई, यहाँ दर्द होने लगा राइट साइड में जहाँ पे लीवर है, और फिर धीरे धीरे करके आंखें पीली हो जाती हैं, पेशाब पीला हो जाता है। तो ये नहीं कि वायरस गए और अचानक हो गए, इनका इनक्यूबेशन पीरियड होता है, तो वो उस हिसाब से फिर उनके सिम्टम्स डेवलप होते हैं। यानी पीरियड है एंटर होने के बाद, कुछ हफ्तों के बाद या दिनों के बाद हम लोग को ये सिम्टम्स दिखाई देते हैं। बट अगर ये सिम्टम्स दिखाई दे तो हमें मेडिकल कंसल्टिंग करना बहुत जरूरी है। सर, आपके बहुत से आंसर में अलग अलग टाइप्स में सुन रही थी, सर क्या कहेंगे कितने टाइप्स रहते हैं ये वायरसेस के और कौन से सर जानकारी? बहुत अच्छी बात पूछी आपने। बीएमजे जर्नल है, ब्रिटिश मेडिकल जर्नल, ओके, उसमें 30 साल पहले एडिटोरियल आया था कि जो हम लोग वायरस बोल रहे हैं ए बी सी डी, अल्फाबेटिकली अल्फाबेट कम रहेंगे वायरस को, यू नो, नेम देने के लिए, तो ये आया था। तो मतलब वायरस अल्फाबेटिकली जाते हैं, तो वायरस ए बी सी डी ई एफ जी एच, एच तक पहुंच गए हैं, और भी स्पेसिफिक वायरस है, टी टी वायरस है। तो ये वायरस अल्फाबेटिकली हम लोग डिस्कस करेंगे कि भी कैसे इनको नेम दिया गया इन वायरसों को, तो कन्वीनियंट सेक्स से उनको नेम दिया जाता है जो आइडेंटिफाई पहले हुआ था। तो 1970s में वायरस ए बी, साइटोमेगालो वायरस, एप्स्टेन ई बी वायरस, ये चार वायरस 1970 में थे। okay. 1980 में पेशेंट को जॉन्डिस है, वायरस है, नए वायरस ए है, नए वायरस बी है, तो हम लोगों ने उसको लेबल किया नॉन ए नॉन बी, ए भी नहीं है बी भी नहीं है। लेकिन 1980s में ये नॉन ए नॉन बी वाले ना, उनको हम लोगों ने क्लोन कर लिया, मोलिकुलर बायोलॉजिस्ट का स्ट्रक्चर देख लिया, तो उस टाइम मालूम होगा ये वायरस सी है, ये वायरस डी है। तो ऐसे ओवर टाइम पीरियड हम लोगों ने वायरस का आइडेंटिफाई किया है कि कौन सा है। फिर इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम 1990s में वायरस फिर हुए अपना जो ई है, एफ है, जी वायरस। तो ऐसे करके वायरसेस हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं। आज भी कितने वायरसेस जो हम लोग नहीं जानते हैं, पेशेंट को जॉन्डिस होता है, मालूम है वायरस इन्फेक्शन है इनको, सब इन्वेस्टिगेट करते हैं, कोई भी वायरस नहीं मिलता है, हो सकता है अगले 10 साल में और नए वायरस आ जाए। सर, हम लोग ने, आई थिंक दर्शकों ने भी मेरे साथ, हम लोग ने इंग्लिश की अल्फाबेटिकल ए बी सी डी सीखी है, बट आज हम लोगों ने एक मेडिकल की भी वायरसेस की ए बी सी डी सीखी है। सर क्या कहेंगे कैसे डायग्नोस किए जाते हैं ये वायरसेस? इवन हम लोग घर पे भी कुछ ऐसे निदान कर सकते हैं क्या कि नहीं ये कुछ ऐसे लग रहा है कि ये सिम्टम्स है, हाँ, और हमें ये दिखा रही ये सिम्टम्स कि नहीं ये हेपेटाइटिस वायरल के सिम्टम्स है, तो डायग्नोस कैसे करते हैं? तो जैसे मैंने लास्ट एपिसोड में बताया था कि शुरू शुरू में इनक्यूबेशन पीरियड के बाद में जो वायरस जाता है तो नॉन स्पेसिफिक सिम्टम्स होते हैं, जनरल वायरस इन्फेक्शन, जैसे भूख नहीं लगी है, नोशिया है, बुखार आ गया है, तो डॉक्टर सोचते हैं भी वायरस इन्फेक्शन, इनको पैरासिटामोल दे दीजिए, घर में आराम करिएगा। और 4-5-6-7 दिन के बाद में जब पेशेंट देखता है कि मेरा यूरिन येलो आ रहा है, डॉक्टर के पास ज़्यादा आँखें पीली हो जाती हैं, तब डायग्नोसिस होता है कि भी इनको जॉन्डिस हो गया है, तब इन्वेस्टिगेट करते हैं। तो पहले 2-3-4 दिन में डायग्नोस करना बहुत मुश्किल है कि वायरल हेपेटाइटिस है। हाँ, अगर बारिश में ऐसा अचानक हो जाए तो सस्पेक्ट करते हैं अभी एक इनको वायरल ए और ई हेपेटाइटिस होता है। इसको कहते हैं हाई इंडेक्स ऑफ क्लिनिकल सस्पिशन। डॉक्टर के, मैं हमेशा कहता हूँ, इफ़ द माइंड नोज द आइज विल सी, डॉक्टर को नॉलेज होना चाहिए कोई चीज़ का, तभी आके देख सकेंगे। तो हाई इंडेक्स ऑफ क्लिनिकल सस्पिशन कि भाई हाँ अभी एपिडेमिक चल रहा है, सडन आउटबर्स्ट हो गया है, तो यूजुअली डायग्नोसिस अर्ली स्टेज में हो जाता है। क्या कहेंगे कि ये वायरसेस कितने डेंजरस है? बिकॉज बहुत बार क्या होता है कि इन जनरल वुमेन्स हो या कोई फैमिली में मेंबर्स ऐसे कुछ रहते हैं कि अगर वायरल फीवर है या वायरसेस की वजह से कुछ बीमारी है, कोई दवाई ले ली, पता है कि चलो 4-5 दिन लगेंगे इसे ठीक होने के लिए, और ऐसे ही घरेलू नुस्खे लेके वो लोग चला लेते, बट कितने डेंजरस है अगर हम लोग इन्हें इग्नोर करते हैं तो? इन शॉर्ट मैं हर वायरस का डेंजरस बताता हूँ। वायरस ए जो है, जो मुंह से जाता है, आज हम लोग इंडिया में सबका ब्लड टाइटेट करके देखेंगे तो 85% ऑफ पीपल उनको वायरस ए शरीर में जा चुका है, लेकिन लोगों को मालूम ही नहीं हुआ, वो ऑटो वैक्सीन हो गए हैं।
ऑटोमेटिकली वैक्सीनेट हो गए हैं, वो वायरस ए एक दफे हो गया वैक्सीन एंटीबॉडीज आ गई, जिंदगी भर वायरस नहीं होगा, और आज वायरस ए का वैक्सीन अवेलेबल है। तो आई थिंक प्रॉब्ली जब बच्चा पैदा होता है तो उसको वायरस ए का वैक्सीन दिया ही जाता है, तो उससे परमानेंट इम्यूनिटी हो जाती है। लेकिन जैसे आपने पूछा कैसे डायग्नोज करेंगे, ज़्यादा करके कोल्ड कॉफ बुखार हो गया, दो दिन में ठीक हो गए, वायरस ए था शरीर में चला गया, एंटीबॉडीज बन गए उसके ऑटोमेटिक। लेकिन अगर वायरस ए एल्डरली पीपल में हो जाए जो इम्यूनिटी स्केप हो गए हैं, वो जैसे 60 70 80 साल के, तब बहुत डेंजरस हो सकता है, तब हर साल उनकी मोर्टैलिटी डेथ रेट बहुत ज़्यादा होती है। इसलिए 70 80 के बाद में जब पेशेंट को क्रॉनिक लीवर डिजीज हो, हार्ट का हो, जो भी है, हम देखना चाहेंगे उनको वायरस इम्यूनिटी है कि नहीं है, वो वैक्सीन देते हैं। सबको वैक्सीन लेना ही चाहिए, उसके पहले ब्लड टेस्ट कर सकते हैं कि उनको ऑटोमेटिक इम्यूनिटी हुई है कि नहीं हुई है, वो अलग अलग तरह से है। वायरस ई फिर खाने पीने से जाता है, वैसे सेल्फ लिमिटिंग डिजीज है, वायरस ए भी सेल्फ लिमिटिंग, वायरस ई भी। द डेंजरस पार्ट ऑफ वायरस ई अगर प्रेग्नेंट वुमन को हो गया, बहुत डेंजरस है, बहुत डेंजरस है, उनमें मोर्टेलिटी रेट 40 to 50%। अगर पकड़ में नहीं आया, जॉन्डिस हो गया, बीमारी बढ़ती गई, तो इसमें बहुत डेंजरस है। तो ये तो वायरस ए और ई। लेकिन जो पेरेंटली ट्रांसमिटेड है, जो दुनिया में तहलका मचाए हैं, वायरस बी और वायरस सी तहलका मचाए हैं, मैं तो 50 साल से प्रैक्टिस कर रहा हूँ, मैंने देखा है कि जब वायरस बी होते थे हम लोग कुछ नहीं कर सकते थे, खड़े रहते थे। वो वायरस बी यूजुअली क्या होता है कि क्रॉनिक हो जाता है धीरे धीरे करके। एक अच्छी बात कहना चाहूँगा मैं, अगर बचपन में पैदाइश में अगर वायरस बी हो गया तो वायरस बी वो क्रॉनिक हो जाता है। और बचपन में कैसा होगा, आज वर्ल्ड में 440 मिलियन पीपल, 400 करोड़ आदमी कैरियर्स हैं वायरस बी के ऑल ओवर द वर्ल्ड। इंडिया में करीब 35 to 40 crore पीपल वायरस बी से इन्फेक्टेड हैं। तो हम लोग ब्लड टेस्ट करेंगे उनका तो वायरस बी मिलेगा, वो कैरियर है, घूमते फिरते रहते हैं ऐसे। 3 to 4 crore, not 35, 40, 3 to 4 crore rupees, I'm sorry। तो ये वायरस जब मदर में होता है, अब जिसको बेबी होता है, तो दिस कैन बी ट्रांसमिटेड टू द बेबी, तो इसको कहते हैं वर्टिकल ट्रांसमिशन मदर से बेबी में। इसके लिए इससे प्रोटोकॉल कि हर मदर को स्क्रीन किया जाए ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, वो तो फिर उसका इलाज होता है। इस बच्चे को अगर वायरस भी हो गया तो इनवेरेबली इनको क्रॉनिक लीवर डिजीज होना ही होना है। और 40, 50, 20 साल को अगर वायरस भी हो गया तो 90% वो क्योर हो जाते हैं अपने आप, उनको कुछ नहीं करना पड़ता है। वायरस सी डेंजरस है, वो जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन से या ब्लड प्रोडक्ट ट्रांसफ्यूजन से अगर किसी के शरीर में चला गया तो वो बहुत ही साइलेंट वायरस है। 10 साल कुछ नहीं होगा, 20 साल में हेपेटाइटिस होगा, 30 साल में सिरोसिस होगा। हमने ऐसे पेशेंट देखे हैं जो हाईएस्ट, जैसे बड़े बड़े हॉस्पिटल में, मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स में 30 साल पहले किसी मदर ने बेबी बॉय हुआ था, सेलिब्रेट किया था, कुछ कारण से उनको ब्लड ट्रांसफ्यूजन हुआ, 30 साल बाद में उनको लीवर सिरोसिस हो जाता है, क्योंकि वो टाइम वायरस ही मालूम नहीं था अपने को, ब्लड टेस्ट नहीं होता था। तो ये डेंजरस वायरस है। तो वायरस ए बी सेल्फ इम्यूनिटी, सी डी जरा डेंजरस है। सो कुछ इन्वेस्टिगेशन आप बताएंगे दर्शकों को कि जो करने बहुत ज़रूरी है, जैसे कि हम लोग हेल्थ चेकअप करते हैं तो उसी के साथ हम लोग को वायरस हमारे बॉडी में है या नहीं है, इसके लिए कुछ हेल्थ चेकअप प्लान्स, कुछ टेस्ट आप एडवाइस करेंगे? तो जैसे हमने लास्ट टाइम भी कहा था कि हेल्थ चेकअप में अगर SGOT या CPT ज़्यादा होता है तो हम लोगों को उसको चेंज करना चाहिए। अब मैं बताता हूँ, अगर वायरस ए और वायरस सी है तो उनका SGOT या CPT 1000, 2000, 3000 हो जाएगा, वो समझते हैं कि ये वायरस ए और ई है, वायरस बी और सी में इतना नहीं होगा। अगर एंजाइम्स 60 है, 70 है, सी है, 100 है, तब उसको हम लोग को चेंज करना चाहिए कि वायरस बी है, वायरस सी है, फैटी लीवर नैश है, या अल्कोहलिक लीवर डिजीज है, या ऑटो इम्यून है। तो उसके अलग अलग कैटेगरी होते हैं, फिर उन लोग को चेंज करना चाहिए। लेकिन हेल्थ चेकअप में अपने को ज़्यादा करके मालूम पड़ जाएगा कि आदमी को लीवर डिजीज होने वाला है। आई थिंक बहुत अच्छी बात कही है सर। नॉर्मली जो कॉमन क्राउड है वो अगर रिपोर्ट आता है तो HB चेक करता है, RBC और WBC कितने काउंट है वो, बट उसी के साथ हम लोग का SGOT, SGPT कितना है, एंजाइम्स का रेंज क्या है, ये भी देखना बहुत ज़रूरी है। सर क्या कहेंगे अगर ये वायरसेस है तो ये वायरसेस क्रॉनिक लीवर डिजीज कितने परसेंटेज कॉज कर सकता है?
जैसे मैंने बताया बचपन में, अगर बचपन में वायरस भी गया है तो उसको 80-85% उनको क्रॉनिक लिवर डिजीज होना ही होना है। वायरस सी गया उनको क्रॉनिक लिवर डिजीज होना ही होना है। और जैसे मैंने कहा जब तक लीवर 70-75% डैमेज नहीं हो जाए आदमी खाता पीता मौज मस्ती करता है, भले वायरस बी हो, भले वायरस सी हो, भले अल्कोहल, ऑटो इम्यून इनमें। लेकिन अगर पहले बीच में हमने SGOT या CPT से पिकअप चेंज कर लिया, जल्दी पकड़ लिया, और आज मैं प्राउड से कहना चाहूँगा द बेस्ट मेडिसिन टू क्योर वायरस बी एंड वायरस इन इंडिया हमारे देश में है, तो इनको हम आज क्योर कर सकते हैं। जैसे मैंने कहा कि मैं 50 साल से प्रैक्टिस कर रहा हूँ, खड़े रहते थे, देखते रहते थे हम लोग, कुछ नहीं कर सकते थे। वायरस बी के मैंने ऐसे पेशेंट देखे हैं कि जब अचानक दवा आई सडनली उनका डीकॉम्पेंसेटेड लीवर डिजीज, पेट में पानी हो गया, खून की उल्टी हो रही है, ओ माई गॉड दे सडनली बिकम ऑलमोस्ट बैक टू नॉर्मल, ऐसा ही वायरस सी में हो रहा है। तो यू नो आज के ज़माने में इट्स ए गिफ्ट टू द मैनकाइंड कि इतना साइंटिस्ट ने अच्छी दवाएँ दी हैं जिससे वायरस बी और वायरस सी क्योर हो सकते हैं। मैं पूछना चाहूंगी क्या इसके लिए ट्रीटमेंट है और ट्रीटमेंट से हम लोग इसे क्योरेबल कर सकते हैं अगर वायरस इसके वजह से हम लोग को कुछ डिजीज हुई है, वायरल हेपेटाइटिस हुआ है तो? अगर क्रॉनिक लीवर डिजीज हो गया, सिरोसिस ऑफ लीवर हो गया, तो उसको आगे बढ़ने के लिए हम लोग रोक सकते हैं ये दवाएं देके। लेकिन जो लीवर सिरोसिस हो गया वो ठीक नहीं होगा। हालांकि अगर कंटिन्यूस इंसर्ट वायरस भी वायरस से कम हो गया तो लीवर भी रिजनरेट हो सकता है, काफ़ी कुछ हद तक जिंदगी नॉर्मल हो सकती है। तो इसके लिए अपने कोशिश करके देखना चाहिए ये ट्रीटेबल डिजीज़ है कि नहीं ट्रीटेबल डिजीज़ है। सर क्या संदेश देंगे, क्या मैसेज देंगे एक व्यूवर्स को, दर्शकों को, एक वायरल हेपेटाइटिस के लिए उन्हें क्या ट्रीटमेंट या कैसे प्रिवेंट करना चाहिए? जैसा आपने पूछा कि भाई कैसे हम लोग पिकअप करेंगे, हेल्थ चेकअप में अगर SGOT या CPT ज़्यादा हो तो उसको चेंज करिएगा, डॉक्टर से इन्वेस्टिगेट करिएगा। आज बहुत कुछ दवाएँ हैं उनकी, अल्कोहल है, SGOT या CPT ज़्यादा अल्कोहल बंद करवा दीजिएगा। अगर फैटी लीवर है तो उसका हम डिस्कस करेंगे भाई क्या करना चाहिए। वैक्सीन हर इंसान को दुनिया में, जैसा WHO का स्लोगन था कि जैसे स्मॉल पॉक्स दुनिया से इरेडिकेट हो गई है वैसे ही दुनिया से वायरस ए और वायरस बी इरेडिकेट होना चाहिए। तो जो प्रोन कंट्रीज थी, कई कंट्री अफ्रीकन कंट्रीज में वायरस बहुत था, अभी इंसिडेंस एकदम कम हो गया है क्योंकि बर्थ इमीडिएटली आफ्टर दैट इन्फेंट को वैक्सीन देते हैं। तो आप सब लोगों को भी अगर वायरस ए और वायरस बी का वैक्सीन नहीं लिया है तो वैक्सीन लेना चाहिए। हालांकि उसके पहले प्रोटोकॉल होता है कि ब्लड टेस्ट करके देखना चाहिए कि आपके ऑलरेडी वायरस भी तो नहीं है, अगर ऑलरेडी वायरस भी है तो वैक्सीन काम नहीं करेगी। तो ये डॉक्टर के लिए सुलझाने का चीज़ है। थैंक यू डॉक्टर निरंजन मनका जी फिर एक बार, क्योंकि मैं जितने बार भी आपसे मिलती हूँ, जितने भी एपिसोड करती हूँ, मैं बहुत नई जानकारी मुझे मिलती है और आई थिंक दर्शकों आपको भी मिली होगी। और मैं यही कहूँगी आज के एपिसोड से कि टेस्ट करना बहुत ज़रूरी है, हेल्थ चेकअप में SGOT SGPT एंजाइम चेक करिए, और वैक्सीन बच्चों के भी वैक्सीन चेक कीजिए, आपने उन्हें वैक्सीन दिए है या नहीं दिए है, और खुद के लिए भी अगर कोई वैक्सीन अगर आपने नहीं लिया है तो वो लेना बहुत ज़रूरी है। प्रिवेंटेशन बहुत ज़रूरी है डिजीजेस होने से। तो ऐसी और मुलाकातों के साथ, बातों के साथ मिलते रहेंगे दोबारा। तब तक के लिए मैं माधवी वाडकर, नवभारत मुंबई से, कैमरामैन संकेत के साथ।